वकील साहब अपना परिचय करवाएं सबसे पहले। जी सर, मेरा नाम कर्ण सिंह राठौड़ एडवोकेट है। तो अभी जैसे कॉलेज का एक मामला था, उसमें एक प्रोफेसर को अरेस्ट किया था और आप उनकी पैरवी कर रहे थे जी, तो सर शुरू से बताएं क्या मैटर हुआ था और अभी क्या उनकी जमानत हो गई है? अगर जमानत हुई है तो कैसे जमानत करवा पाए आप? आज रविंदर सिंह जो प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में, उनको कोर्ट में पेश किया था। जो मुकदमा था वो था FIR नंबर 23/31/2023 डेटेड, और इसमें जो धाराएं लगाई थी पुलिस ने 354A, 354D, 509 IPC, इसके अंतर्गत गिरफ्तार करके और पुलिस ने उनको जो कोर्ट है मुनीश नागर जी STJM साहब उनके यहाँ पेश किया था। मैंने उनकी तरफ से पैरवी करते हुए उनकी तरफ से जमानत की दरखास्त लगाई। जज साहब ने दोनों पक्षों का सुना और उस समय कोर्ट में जो कंपेनेंट पार्टी है वो भी हाजिर थी खुद और उनके वकील साहब भी थे, और दोनों पक्षों को सुनने के बाद जज साहब ने फाइल को ऑर्डर को रिजर्व रखा और थोड़ी देर बाद टाइम लेकर के जज साहब ने और फिर जमानत का जो आदेश है वो सुनाया, और 50,000 रुपये के जमानतनामा और निजी मुचलके के ऊपर रविंदर सिंह को अदालत ने जमानत दे दी। और आगे जो तारीख लगाई है कोर्ट ने वो 29/4/2023 जो चालान आएगा, फाइनल रिपोर्ट आएगी, उसके लिए मुकर रखी। तो सर जैसे ये तीन धाराएं बता रहे हैं आप इसमें लगाई है, तो आगे भी मतलब इस तरह की कोई सजा का प्रावधान है क्या इसमें? ये जो धाराएं थी जिनमें इनको पेश किया गया था ये सभी धाराएं अवेलेबल थी, इनमें नॉन अवेलेबल कोई भी धाराएं नहीं थी। आगे पुलिस इसमें तफ्तीश करेगी, तफ्तीश करने के बाद फाइनल रिपोर्ट देगी, उसके बाद गवाहियां होकर के जो फैसला होगा उस समय देखा जाएगा। यदि उस समय रविंद्र सिंह निर्दोष साबित होते हैं तो कोर्ट बरी करेगी, और उस समय यदि इन धाराओं के तहत आरोप सिद्ध होते हैं, कोर्ट उनको गिल्टी हेल्ड करती है, तो इन तीनों धाराओं में अधिकतम 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। जैसे अभी ये सरकारी नौकरी पे हैं तो इस केस को लेके अभी जैसे पुलिस ने गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया, तो सर इस नौकरी पे कोई इफेक्ट होगा इनका? नहीं, नौकरी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इनको कस्टडी में नहीं रखा गया है, जुडिशियल कस्टडी में नहीं रखा गया है। नौकरी के ऊपर जब ही असर पड़ता है जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। इनका केस जो है वो शाम को दर्ज हुआ है तकरीबन 6 बजे के आसपास, और रात को इनको पुलिस ने उठाया है, और गिरफ्तारी जो दिखाई है वो पुलिस ने सुबह दिखाई है 4-5 बजे की, और 4-5 बजे के बाद में गिरफ्तार करने के बाद 5-6 घंटे बाद यहाँ लंच के जस्ट बाद 1.5-2 बजे यहाँ पेश कर दिया। तो नौकरी पे इसका कोई नकारात्मक असर इसमें सर जैसे कितनी बच्चियों ने, जो लड़कियाँ हैं कॉलेज की, कितनी बच्चियों का इसमें आरोप था? इसमें जो पुलिस की FIR है उसमें एक लड़की है, उसने एप्लीकेशन दी है, अलका नाम की कोई लड़की है गांव सिगड़ा की, मैं नाम कन्फर्म नहीं है सर, मेरे अंदाज से अलका नाम है, क्योंकि हमने थोड़ा जल्दी में थे, वो लेट मेरे पास आए पेश हुए तो थोड़ा सा जल्दी में थे, पर और वैसे जी जी। हम ये कहें तो उस पर 4-5 जो हैं लड़कियों के हस्ताक्षर और थे, उनका नाम मुझे नहीं था, और अलका का नाम शायद मैं कन्फर्म नहीं हूँ कि उसका नाम अलका था और कुछ था। क्या मामला बताया जैसे FIR में आपने बताया हो? FIR में उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो महिलाओं से संबंधित जो अपराध हैं उसके तहत ही आरोप लगाए हैं। भाई हमें पीछा करने वाली बात है या फ़ोन नंबर मांगने वाली, दोस्ती करने वाली, इस तरीके के उन्होंने आरोप लगाए हैं जो अभी पुलिस के अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो अभी तफ्तीश की जाएगी? हाँ, अभी तफ्तीश की जाएगी, और जैसा मुझे रविंद्र सिंह ने बताया है कि मेरे खिलाफ जो मुकदमा बना है, जो आरोप है, वो राजनीतिक साजिश और जो कॉलेज के अंदर गुटबाजी है उसके परिणामों के तहत मेरे ऊपर ये आरोप लगाए गए, तो उसके लिए हम भी रविंद्र सिंह की तरफ से जो भी पुलिस के उच्च अधिकारी है उनसे फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए अप्रोच करेंगे, एप्लीकेशन वगैरह देंगे, जो कार्रवाई आगामी करेंगे, क्योंकि आज तो अभी उनकी जमानत हुई है, उनसे बैठ करके सारी डिटेल लेकर के और आगे आगामी कार्रवाई, जो हमें इन्वेस्टिगेशन सही हो और हमें, हमारी ये रहेगी कि हमें अपराध जो लगाया हमारे ऊपर उसे डिस्चार्ज के लिए हम कोशिश करेंगे कि हमें अपराध मुक्त किया जाए इसलिए, क्योंकि
जो रविंद्र सिंह ने मुझे बताया है कि उनके साथ बिल्कुल निराधार मुकदमा ये दर्ज हुआ, उनके खिलाफ उन्होंने कोई अपराध इस प्रकार का जो आरोप लगाए वो कारित नहीं किया। तो अगली तारीख कब की है सर? इसमें अगली तारीख लगाई है 29/4/2023, जो पुलिस को फाइनल रिपोर्ट, जो चालान जो बोलते हैं जिसको, वो पेश करना है। ठीक है।